एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा के तत्वावधान में पुलिस लाइन से एसएसपी ने ग्रीन कॉरिडोर का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया तथा एम्बुलेंस को पुलिस लाइन से सदर अस्पताल के लिए रवाना किया, जिससे इमरजेंसी केस को 15 मिनट में प्रत्येक एम्बुलेंस सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज का सफर तय कर सके। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि घायल मरीजों को जिला अस्पताल से तुरंत बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरा प्रयास रहेगा कि गंभीर मरीजों को रेफर के बाद जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचा सके। 108 एम्बुलेंस पुलिस लाइन से निकलकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई। उसके बाद जब एम्बुलेंस मरीज को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए हर चौराहे पर ट्रैफिक क्लियर रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, घायल मरीजों को तुरंत जिला अस्पताल से उनका रेफरल सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए आज पुलिस लाइन में 108 के सभी चालकों के साथ एसएसपी महोदय द्वारा गोष्ठी की गई। गोष्ठी करके उनको दिशा निर्देश दिए गए और आपसी सहयोग और समन्वय से हमारा ये प्रयास होगा कि गंभीरतम मरीजों के लिए जिनको चिकित्सा की तुरंत आवश्यकता होती है, जल्दी से जल्दी हम उनको एम्बुलेंस के लिए रेफरल हॉस्पिटल पहुंचा सकें। इसी संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा जिला अस्पताल के एम्बुलेंसेस के लिए इस ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सर, ये पुलिस लाइन से निकल कहाँ गई एम्बुलेंस? पुलिस लाइन से निकल कर एम्बुलेंस फ़िलहाल तो जिला अस्पताल के लिए गई और आगे जब मरीज को लेके ये जब भी बीआरडी हॉस्पिटल जाएंगी तो इनके लिए हर चौराहे पर ट्रैफिक क्लियर मिलेगा। ऐसी हमारी योजना है, इस योजना को शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा।